हम एक हदीस देखने वाले हैं और ये हदीस तबरानी में, हदीस की सनद सही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दी गई है और इस तरह की बातें कई हदीसों में आती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कयामत का दिन होगा ना, अब बताया आपको कयामत के दिन हिसाब होगा, चेकिंग होगी। हाँ, तो चेकिंग में जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, ज़ुबान है, हज है, जो कई सारी इबादतों का कई सारे जो चीज़ें हैं, हाँ, तो उसमें सबसे पहले किस चीज़ की चेकिंग होने वाली है इबादत में? नमाज की। तो वही बात दी गई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह, सबसे पहली चीज़ जिसका हिसाब होगा क़यामत के दिन वो है नमाज। सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा नमाज है। नमाज सलुहत, अगर नमाज अच्छी निकली सलुहलहु सायरु अमलही, सारे के सारे अमल अच्छे निकलेंगे। अगर नमाज अच्छी निकली तो सारे के सारे अमल अच्छे निकलेंगे। व इन फसदत, अगर नमाज खराब निकलेगी फसदत सायरु अमलही, सारे के सारे अमल खराब निकलेंगे। खराब निकलेगा। अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो सारे के सारे अच्छे निकलेंगे, और अगर नमाज खराब निकलेगी तो सारे के सारे अमल गलत। अब एक सवाल जिसके लिए बड़ा स्टार मिलने वाला है, ओके, सवाल ये है नमाज अच्छी निकलेगी तो सारे अमल अच्छे निकलेंगे, नमाज खराब निकलेगी सारे अमल खराब निकलेंगे। खराब। सवाल ये है कि नमाज अगर अच्छी है तो सारे अमल कैसे अच्छे निकलेंगे? एक है ए और एक है बी। ए की नमाज अच्छी है, बी की नमाज अच्छी नहीं है, तो ए के बाकी क्या अमाल, बाकी क्या अमाल यानी कुरान पढ़ा उसने, कुरान पढ़ा, रोजा रखा, सदका किया, मामलात में कैसे था, हज किया, कैसा था हज में, कैसा था उमरा, सब जो चीज बाकी अमाल जो है ना, माँ बाप के साथ कैसा था, दोस्तों के साथ कैसा था, पड़ोसी के साथ कैसा था, रिश्तेदार के साथ कैसा था, सारे अमाल कैसे निकलेंगे उसके? नमाज अच्छी है अच्छे निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे। अगर नमाज खराब निकलती है तो सारे के सारे अमाल गंदे खराब निकलेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि ए के सारे अमाल अच्छे निकल रहे हैं, बी की नमाज खराब है, सारे अमाल खराब निकल रहे हैं, ऐसे कैसे? क्योंकि ए अच्छा है और बी बुरा है। ए अच्छा है बी बुरा है, ये चीज के लिए स्टार आपको मिलेगा, लेकिन बड़े स्टार तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। क्योंकि ए अच्छी नमाज पढ़ता है और बी अच्छी नमाज पढ़ने से बाकी अमाल अच्छे कैसे हो गए? हम लोग नमाज पढ़े तो नमाज पढ़े को जन्नत में जाने को, तो और भी वो अच्छा अमल करेगा। करीब करीब आ रहे हो माशाल्लाह, बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं आप लोग, करीब आ रहे हो माशाल्लाह, वेरी गुड। और बताओ, हाँ, जैसे कि कैसे अच्छे निकलेंगे? निकलेंगे अच्छा, बताओ ये कौन से कलर का है? ब्लू। और ये कौन से कलर का है? ग्रीन। ये अगर आंखें बंद करके खोल के देखेंगे, आंखें बंद करो, एक मिनट रुको मैं बोलूंगा तब खोलना। हाँ, तुम लोग भी बंद करो। हम लोग भी। हाँ, बंद करो बंद करो बंद करो, अभी खोलो। कौन से कलर का है? ब्लू। शायद ब्लू। ये ब्लू निकला क्योंकि ब्लू है। हाँ। ये ग्रीन निकला तो ये ग्रीन है। अब कितना भी मैं इंटरचेंज कर लूं, जो ब्लू है ब्लू ही निकलेगा, जो ग्रीन है ग्रीन निकलेगा, जो अमाल अच्छे हैं वो अच्छे निकलेंगे और जो बुरे हैं वो बुरे निकलेंगे। मतलब कि इनकी नमाज अच्छी है ना, सुन रहे आप, नमाज अच्छी है ना तो सारे अमाल अच्छे निकलेंगे क्योंकि अच्छे होंगे, और जिनकी नमाज बुरी है उसके सारे अमाल बुरे निकलेंगे क्योंकि बुरे होंगे। अब मेरा सवाल ये बिग स्टार वाला कि नमाज अच्छी होने की वजह से बाकी अमल अच्छे कैसे हो गए? क्योंकि हम लोग अच्छे हैं, जन्नत में जाएंगे तो हम लोग को और सवाब का काम करना पड़ेगा। तो ना मैं बताऊं? नहीं नहीं, बताओ क्या बता रहे हो। एक मिस्टर ए है जो नमाज बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनके बाकी अमल कैसे अच्छे हो गए नमाज की वजह से? क्योंकि वो दुआएं बहुत, क्योंकि नमाज में दुआएं पढ़ते हैं, वो सब करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। नमाज में दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह हिदायत देता है। हाँ, नमाज में अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमें हिदायत देता है। नमाज अच्छी हो जाती है तो बाकी अमाल भी अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नमाज में आखिरत की याद होती है। आपने भी सही बताया, नमाज पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला की याद आती है। दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? फाइव टाइम्स। तो फाइव टाइम्स तो अच्छे से अल्लाह की याद आ जाती है ना, दिल में अच्छे से आ जाती है ना कि नहीं? हाँ, अल्लाह की याद जब होगी तो एक इंसान कैसे काम करेगा?
बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से काम करेगा, बुरे काम करेगा, अच्छे काम करेगा। जब अल्लाह को भूल जाएगा तो कैसे काम करेगा? बुरे काम करेगा। तो इसकी नमाज बुरी है तो उसके बाकी काम भी बुरे होंगे, क्योंकि वो नमाज खा रहा है। हवा किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई हवा, अल्लाह का दिया हुआ खाना, अल्लाह की दी हुई जमीन, अल्लाह की दी हुई बॉडी, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है। अच्छा है, गलत है? गलत है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह के अच्छे बंदे बनना चाहिए। आप लोगों को अपने अमाल अच्छे चाहिए या बुरे चाहिए? अच्छे। अच्छे चाहिए तो स्मार्ट पर्सन क्या करेगा, कौन सी चीज अच्छी कर लेगा? नमाज। अगर नमाज अच्छी होगी तो बाकी अमाल अच्छे होंगे, अगर नमाज बुरी होगी तो बाकी काम गंदे होंगे, बुरे निकलेंगे। कोई चीज होती है ना जो मेन चाबी होती है, चाबी चाबी मिल गई तो दरवाजे से एंट्री होके पूरे घर में जाके घूम सकते हैं। और अगर चाबी खराब है तो नहीं घुस सकते, तो जाएंगे ही नहीं अंदर, तो वो मिलेगा नहीं घर के अंदर। क्या है चाबी? चाबी चाबी, ये चाबी है जन्नत तक ले आने वाली, हमारे लिए जरिया है हमारे लिए। यस इंशाल्लाह। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।